नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 और 7 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे होते होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दोनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 6 फरवरी की बात करें तो इस दिन शनिवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और इस दिन अनुराधा नाम का नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होंगे। और इस दिन दोस्तों, योग की बात करें तो इस दिन ध्रुव नाम के योग के बाद व्याघात नाम का योग प्रारंभ होगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली इसमें रहने वाले हैं। इस दिन दोस्तों, राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 9:54 से लेकर सुबह के 11:17 तक। ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें अर्थात 7 फरवरी की, तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और इस दिन ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन व्याघात नाम के योग के बाद वर्षा नाम का योग प्रारंभ होगा, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योग माने जाते हैं। इस दिन दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा शाम के 4:51 से लेकर शाम के 6:14 तक। और दोस्तों, इन दिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि को प्रांत धनु राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, तिथि और योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में आपको खुशियां और सफलता मिलेंगी, ये लिए अच्छा बीतेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा, पिता का सहयोग आप समय आपको प्राप्त होगा, अधिकारी जो है यह समय आपके पक्ष में रहेंगे। इन दिनों में जो है आपका मेहनत का फल जो होगा आपको मिलेगा, आने वाला वक्त भी आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टनरशिप में इन दिनों में मधुरता रहेगी। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय कोर्ट कचहरी के मामलों से आप दूर रहें, किसी भी चीज़ पर जो है आप खत्म होगा, राजनीतिक माहौल यह समय खराब हो सकता है, तनावपूर्ण स्थितियों में समय व्यतीत होने की संभावना पाई जाती है। दोस्तों, इन दिनों में किसी भी कार्य को जो है स्थिरता और गंभीरता के साथ करना बेहतर फलदायक साबित होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में जो आपके लिए दिन होंगे, आप अपने जो है काम की गति से ना केवल अपने पुराने पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि आप करियर या फिर प्रोफेशनल मोर्चे पर भी जो है अपनी किस्मत को बदलने की स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, जो लोग आपका जो है विरोध कर रहे थे पिछले समय में, वे आपके यश में पक्ष में आ सकते हैं या फिर आपसे जो है पराजित भी यश में हो सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में परिस्थितियाँ जो होंगी, परिस्थितियों में अचानक कुछ बदलाव होने की आशंका है, जो आपके लिए जो है रोमांचकारी हो सकते हैं। अगर किसी खोज या फिर काम में लगे हैं तो दोस्तों, इससे थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो दिन है आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दोस्तों, यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको जो है अपना मनपसंद प्रोजेक्ट मिल सकता है, दफ्तर में जो प्रतिस्पर्धी होंगे आपसे पराजित होंगे। दोस्तों, इन दिनों में आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है, भाग्य जो है आपका साथ दे सकता है, जिसके कामकाज के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना पाई जाती है। दोस्तों, यश में इन दिनों में अगर आपकी जो लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके लिए जो समय होंगे, समय आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा और जो है प्रेमी जीवन काल आप यश में लुप्त उठा पाएंगे। आगे आने वाले समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्तों को सामाजिक और पारिवारिक मान्यता मिल सकती है। वहीं दोस्तों, ये जो दिन है आपके लिए, अगर हेल्थ की बात करें तो आपको कंधों में दर्द की शिकायत रह सकती है। दोस्तों, इन दिनों में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदाकदा समस्या उत्पन्न हो सकती है,
अतः उनके स्वास्थ्य का आप जो यह समय है ख्याल रखें, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों यह समय गणेश जी आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह भी देते हैं। शेयर सट्टे में सीमित खतरा उठाने में आपत्ति नहीं है। आर्थिक लाभ का यह समय दिन रहेगा। स्वामित्व की त्याग करके जो है समझौते की भावना अपनाने की यह समय आपको जो है गणेश जी सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति संकेत कर रहे हैं कि आपको केवल सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी। उन परियोजनाओं को समझें जो जटिलताओं से भरी है, ताकि आप जो है भविष्य में गलत होने की संभावनाओं को कम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों यह समय ये जो है आपके कार्य को आसान बना देगा। दोस्तों यह बात गणेश जी से पता चलता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो रोमांस में मतभेदों को अपने रिश्तों पर असर न डालने दें। याद रखें, आप अपने साथी से प्यार में इसलिए पड़े क्योंकि आप उसे दूसरों से अलग पाते हैं। साथी के सामने आप जो है अपने आप को विशेष बनाना चाहते हैं, इसलिए जो रात होंगे इन दिनों के, आप इन दिनों को रात को यादगार बना पाएंगे। गणेश जी का ऐसा सुझाव है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, वित्तीय लाभ आपको केवल अस्थायी खुशी देंगे। इसके बजाय आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान या फिर उन चीज़ों जिससे मन की शांति हासिल करने में मदद मिले, उन पर पैसा निवेश करना इसमें आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का जो है अच्छा ख्याल रखना होगा। नाक बहने जैसी कुछ समस्या भी इसमें आपको हो सकती है, आपको परेशान यह कर सकती है। इन बातों का आप ध्यान रखें, बेहतर रहेगा कि यश में आप सावधान रहें। आप जो है आपको पर्याप्त घंटों के लिए नींद लेनी चाहिए, अन्यथा आप जो थकान महसूस यश में कर सकती हैं। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप मानसिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से आपके ऊपर कोई बोझ बना हुआ है जिसके कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं और वो टेंशन में आप कोई भी कार्य कर नहीं पाते हैं, तो दोस्तों यश में आपको इन दिनों में ये उपायों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि रोज़ हनुमान जी का आप पूजन करें और फिर हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को आप शनि को तेल भी चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही दोस्तों अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को जरूर दान करें। दोस्तों ये जो उपाय हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और भाग्यशाली होंगी। इन उपायों को करने से आपकी मानसिक परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म होंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे, अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, यश में आप इन्हें कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।